शादी का खुशनुमा माहौल चंद मिनटों में मातम का माहौल बन गया। एक तरफ जहां परिजन शादी की तैयारियों में जुटे थे, तो वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते एक मामूली विवाद ने तूल पकड़ लिया और पड़ोसियों ने युवक पर गोली चला दी। दरअसल मामला अमेठी के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के किशनगंज गांव का है, जहां घर का पानी निकलने के विवाद में दबंग पड़ोसियों ने युवक के परिवार वालों पर हमला कर दिया। कहा सुनी देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि हमले में युवक को घसीट कर पड़ोसियों ने गोली चला दी। गोली युवक के पैर में लगी, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने घायल युवक और विवाद के बारे में क्या बताया, जरा सुनिए। हमारे यहाँ ये 20 साल से पानी निकलने की व्यवस्था नहीं की जा रही है, तो हमारे यहाँ शादी होने वाली है, इस वजह से पानी कुछ ज्यादा भराव हो गया है, तो उसको निकालने के लिए हमारे देवर और हमारे ससुर जी कोशिश कर रहे थे, तो पाइप लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो राकेश ने इनको मना किया कि नहीं लगाने देंगे हम, तो मेरे ससुर ने कहा अभी 2 दिन के लिए लगा लेने दो, उसके बाद फिर हम हटा देंगे, तो वो बोले कि नहीं हम पानी निकालने ही नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। तो दोनों में हाथापाई हुई हल्की फुल्की, फिर ये तुरंत राकेश जाके घर के अंदर गए और घर के अंदर से इन्होंने रिवाल्वर निकाली और निकाल कर फिर हमारे देवर को खींच कर ले गए उधर, और ले जाने के बाद इन्होंने गोली मार दी। ले जाने के बाद वहाँ बोले कि अब बोलो, जो जिसको जो करना है कर लो, आके औकात हो तो हाथ लगा के दिखाओ। जब सब लोग को उकसाया और उसके बाद हमारे देवर जब इनके सामने आए, उनको खींचा पहले और खींच कर उधर ले गए, जब सामने एकदम दिख गए तो इन्होंने गोली मार दी इनको। आपको बता दें कि प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। जानकारी अनुसार गोली मारने वाला पड़ोसी प्रधान का मित्र है और उसका बड़ा भाई स्थानीय थाने में चौकीदार है। अमेठी से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।